हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो एक यूनिट है हमारे पास में, वो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इससे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस के अंदर देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। और जो इसका सबसे लास्ट यूनिट है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के अंदर देखिए, सबसे पहले हमारे पास में डेरिवेशन आता है। वो डेरिवेशन है डिफरेंशियल रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये डेरिवेशन करेंगे सबसे पहले। ये डेरिवेशन होने के बाद ही हम जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के कितने मेथड है, उन मेथड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर कितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ में हम प्रीवियस ईयर के जो यूनिवर्सिटी पेपर्स हैं उसमें इस यूनिट के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, डिफरेंशियल रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ नोट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की। ये डिफ्लेक्शन क्या होता है किसी भी बीम के अंदर? देखिए, सपोज देखिए, मैं यहाँ पर डायग्राम बना के आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास में कोई कैंटिलीवर बीम है। पता ही है कैंटिलीवर बीम कैसे होती है, जिसका वन एंड जो होता है ये फिक्स होता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में एक बीम है, ठीक है। इसका देखिए, ये वन एंड है, ये ए पॉइंट है बीम का, और ये हमारे पास में जो है बीम का वो बी पॉइंट है। देखिए, इसका वन एंड जो है किसी वॉल के अंदर फिक्स्ड है और अनदर जो पॉइंट है वो फ्री है। तो देखिए, सपोज अगर हम इसके एंड पे यहाँ पर कोई लोड लगाते हैं जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस लोड की जो इंटेंसिटी है वो डब्ल्यू है, क्लियर। तो अगर हमने यहाँ पे लोड नहीं लगाया, तो लोड नहीं लगाया तो इसकी बीम की जो पोजिशन है वो यही रहेगी हॉरिजॉन्टल। जब लोड लगा देंगे उसके बाद में जो हमारी बीम है वो स्लाइटली वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में बीम का डायग्राम बिफोर लोडिंग है और ये जो डायग्राम है वो आफ्टर लोडिंग है, ठीक है। तो ये बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग के बीच के अंदर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया है यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। तो ये जो वाई है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? इस बीम का डिफ्लेक्शन है ड्यू टू इस लोडिंग के कारण, ठीक है। तो वाई को डिनोट, जो y है वो हमारे पास में क्या है, वो डिफ्लेक्शन है। तो ये तो आ गया डिफ्लेक्शन। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है ये हमारा फ्री एंड है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं वहां पर डिफ्लेक्शन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि हमारे पास में कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम में हमेशा जो एंड पॉइंट होता है, फ्री एंड होता है, वहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है और फिक्स्ड पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होता है वो जीरो होता है। देखिए, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो होता है वो जीरो होता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। अब हम बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप क्या होता है? देखिए, अगर मैं ये जो डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम है, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ और ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट का जो हमारे इनिशियल पोजिशन के साथ में जो भी एंगल बनता है थीटा, वो जो हमारे पास में होता है उस बीम का क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप को थीटा से डिनोट करते हैं, डीवाई बाय डी से डिनोट करते हैं, या फिर आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो ये है वो क्या है, स्लोप है। तो स्लोप भी जो है डिफ्लेक्शन की तरह पॉइंट टू पॉइंट जो है वो वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप होता है फ्री एंड पे कैंटिलीवर बीम में वो होता है मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप वो हो जाएगा जीरो। तो हमें आपको ध्यान देना है कैंटिलीवर बीम पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो हमारे एंड पॉइंट पे है वो मैक्सिमम होते हैं, और जो हमारे पास फिक्स पॉइंट पे है वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमेशा वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमने बताया कि मैंने बताया कि हम डिफ्लेक्शन क्या है और स्लोप क्या है, पहले हम डिफ्लेक्शन के डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द वर्टिकल शिफ्ट, है ना, यहाँ पे क्या है, वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द पॉइंट ऑन द बीम बिटवीन लो लोड कंडीशन एंड लोडेड बीम। जब बीम के ऊपर कोई लोड नहीं था और जब लोड लगा दिया
तो उसके कारण जो वर्टिकल जो बीम हमारी कितनी शिफ्ट हुई है, वर्टिकल एक्सिस में कितनी शिफ्ट हुई है, और वही जो हमारा है वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो वेरी करता है, ठीक है। और ये जो है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से या फिर डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो हमेशा किसमें लेनी है आपको, एमएम में लेनी होती है, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप क्या होता है, इट इज द एंगुलर शिफ्ट ऑफ एन एनी पॉइंट ऑफ द बीम बिटवीन नो लोड कंडीशन एंड लोडेड बीम, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया डायग्राम बना के, जैसे हमारे पास में कोई बीम है, कैंटिलीवर बीम है, जिसका वन एंड क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई लोड लगा दिया, ठीक है, इस लोड की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, W है। जैसे हमने लोड लगाया तो हो सकता है कि लोडिंग के कारण जो हमारे जो बीम है वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम होता है। अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया डिफ्लेक्टेड सेल के ऊपर, तो टेंजेंट का जो इनिशियल पोजीशन ऑफ द बीम के साथ में बनाया गया जो भी जो एंगल होता है, थीटा जो होता है, वो हमारा क्या होता है, वो स्लोप होता है किसी भी बीम का, क्लियर। तो ये होता है, ये भी क्या है, ये क्या है, एंगुलर शिफ्ट है, ठीक है। इट इज द एंगुलर शिफ्ट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द बीम बिटवीन लोड कंडीशन एंड नो लोड कंडीशन एंड लोडेड बीम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इट इज वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन लेंथ ऑफ द बीम, क्लियर। और इसकी जो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, वो डीवाई बाय डीएक्स से भी कर सकते हैं, और थीटा से भी कर सकते हैं, और आई से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। इसका जो यूनिट यूनिट होता है वो डिग्री में नहीं होता है, आपको इसका यूनिट जो लेना है वो लेना है रेडियन लेना होता है, क्लियर। चलो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन डिफ्लेक्शन की और स्लोप की। आगे हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, ठीक है, कि हमारे पास देखिए कैंटिलीवर बीम है, इसका वन एंड क्या है, फिक्स्ड है, और अनदर क्या है, फ्री है। जैसे हमने इसके ऊपर लोड लगाया, लोड लगाने के बाद में जो है हमारे जो बीम है, ऐसे देखो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेस हुई, डिस्प्ले के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। तो देखिए, जब लोड नहीं था तब हमारी बीम पहले यहाँ थी, जब लोड लगा दिया उसके बाद में देखिए हमारे बीम के अंदर देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डायग्राम जो हमारे पास में वो बिफोर लोडिंग का है, ये डायग्राम जो हमारे पास में आफ्टर लोडिंग का है। तो देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन, इसकी फाइनल पोजीशन, इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, वाई हुआ है, क्लियर। तो हमारे पास में ये क्या है, डिफ्लेक्शन है, और ये हमारे पास वाई है वो हमारे पास क्या होगा, वाई मैक्स होगा, मतलब ये हमारे पास में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, क्लियर। और बात करते हैं स्लोप की। तो जैसे ये डिफरेंट शेप ऑफ द बीम है, इसके ऊपर हम अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट का इनिशियल पोजीशन के साथ में बनाया गया जो भी एंगल होता है थीटा, वो हमारे पास में क्या होता है, स्लोप होता है, क्लियर। तो हियर y इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंड थीटा इज इक्वल टू स्लोप। हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन ऑफ द कैंटिलीवर बीम की, इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। देखिए हमारे पास में इसकी बाउंड्री टो है, दो बाउंड्रीज है, ए है हमारे पास में सबसे पहले ए पॉइंट पे, दूसरी है बी पॉइंट पे, क्लियर। तो देखिए हमारे पास में इसकी बाउंड्री कंडीशन पढ़नी है कैंटिलीवर बीम की, तो क्या कंडीशन होती है बाउंड्री कंडीशन। तो हमारे पास में देखिए ये हमारे पास में ए पॉइंट है, जिसको हम लेते हैं बाउंड्री नंबर ए, इसको लेते हैं बाउंड्री बी। तो देखिए यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आपको नजर आया होगा, डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन यहाँ पर जीरो है। देखिए यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, वो वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन इस बी पॉइंट पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वाई है वो क्या है, वाई मैक्स है, क्लियर। अब बात करते हैं, ये तो होगी डिफ्लेक्शन की बात, अब बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप को हम किसे इग्नोर करते हैं, थीटा से, थीटा या फिर डिवाइड बाय डीएक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्लोप भी कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड एंड पे जीरो होती है, और यहाँ पे जो स्लोप की जो वैल्यू होती है फ्री एंड पे कैंटिलीवर बीम में वो होती है मैक्सिमम होती है। यहाँ पे थीटा को क्या लिखेंगे हम, थीटा मैक्स। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होता है स्लोप वो कहाँ पे होता है कैंटिलीवर बीम में, वो होता है हमेशा कहाँ पे, फ्री एंड पे, ठीक है। ये हमारी कुछ बाउंड्री कंडीशन है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट वो हमारे पास में क्या है, जीरो, और डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट वो क्या है, मैक्सिमम। अब डिवाइड बाय क्या होता है, स्लोप, इसको थीटा भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में है वो जो हमारे पास फिक्स एंड पे है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और जो फ्री एंड पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिमिलरली सपोर्टेड बीम की। तो बताइए इसमें सपोर्टेड बीम क्या होते हैं, जिसके दोनों एंड पे जो है सिंपल सपोर्ट लगे होते हैं। एक सपोर्ट जो होता है वो होता है हिंज सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट होता है वो क्या होता है, रोलर सपोर्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास में है सिंगल सपोर्टेड बीम,
देखिए ये है हमारे पास में बिफोर लोडिंग। जब हम लोड नहीं लगाते हैं बीम के ऊपर तो हमारे जो बीम है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जब हम लोड लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लोड लगा दिया जिसकी इंटेंसिटी क्या है वो डब्ल्यू है, तो लोड लगाने के बाद में जो हमारे बीम है वो इस तरीके से वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के बीच में कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि हमारे पास में क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो बीम के एकदम अंडर द पॉइंट लोड जो है वो है डिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे जैसे हम टू आर के सपोर्ट चल रहे हैं, सपोर्ट के तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर डिफ्लेक्शन की वजह देखिए पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कम होती जा रही है, और जहां पर सपोर्ट आ जाएगा वहां पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो हमको ये ध्यान देना है कि जो डिफ्लेशन होता है हमेशा जहां पर सिंपल सपोर्ट होता है वहां पर हमेशा डिफ्लेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से बी पॉइंट पे सिंपल सपोर्ट लगा है तो बी पॉइंट में डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सी पॉइंट है, सेंटर में जो सी पॉइंट है, यहाँ पर डिफ्लेशन देखिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम नजर आ रहा होगा, यहाँ पर सी पॉइंट में डिफ्लेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर, ये तो करिए हमने डिफ्लेक्शन की बात, हम बात करते हैं स्लोप की। तो देखिए हमारे पास तीन पॉइंट्स है, ए बी एंड सी, तीन पॉइंट्स हमारे पास में है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये डिफ्लेक्टर शेप ऑफ द बीम है, अगर यहाँ पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, इस टेंजेंट का इनिशियल पोजीशन के साथ में बनाया गया कोई भी एंगल जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप को हम थीटा से भी लिख सकते हैं और डीवाई बाई डी एक्स से भी लिख सकते हैं और आई से भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर जो स्लोप है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो स्लोप है हमारे पास में क्या आएगा, वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब बी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इस टेंजेंट का इनिशियल पोजीशन ऑफ द बीम के साथ बनाया गया कोई भी एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, थीटा मतलब स्लोप होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है वो भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। क्लियर, लेकिन बात करते हैं सेंटर पे, तो सेंटर पे जो हमारे पास डिफ्लेक्शन सॉरी स्लोप आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि अगर जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखिए कोई भी स्लोप नहीं आ रहा, एकदम फ्लैट हमारे पास में लाइन ड्रॉ होगी। यहाँ पर टेंजेंट जो आएगा एकदम 180 डिग्री का आएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो जीरो है। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए सेंटर में जो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू है सी पॉइंट पे वो क्या है, वो जीरो होती है। एक चीज को समझ लेते हैं, देखिए अगर हमने अगर यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ, देखिए सपोज अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये फ्री फॉल होकर कहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ आके रुकेगा, थोड़ा आगे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो है वो पॉइंट यहाँ पे आके जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रुका क्यों, रुका इसलिए क्योंकि इसको स्लोप नहीं मिला। यहाँ पे हमने रखा था, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, वो यहाँ से मूव होके इसको स्लोप मिला, तो यहाँ पे आके ये ऐसे करके यहाँ पे आके ये रुक गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, जीरो है। यहाँ पे स्लोप क्या था, मैक्सिमम है। क्लियर, तो हमसे ध्यान देना सिमिलर सपोर्टेड बीम में जो हमारे पास ए पॉइंट पे होता है, ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, जीरो। बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। इसी के साथ में सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, इसी लोडिंग कंडीशन में, है ना। और यहाँ पर जो है स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ पर स्लोप क्या होगा, जीरो। यहाँ पर स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर।